हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपको कैसे पता चला था बेबी किलर के बारे में? आप कैसे पता? देखिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पता चला? आप एक एक करके क्वेश्चन पूछे प्लीज। सर क्या अब हम ये समझ ले कि बेबी किलर की दहशत का अंत हो चुका है? देखिए हमने बेबी किलर को पकड़ लिया है जिसने 5 लड़कियों का खून बड़े ही संगीन तरीके से किया था, और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अब ये शहर चैन की नींद सो सकता है। सो क्या आप डिटेल में बता पाएंगे कि आपने ऐसे खूंखार किलर को कैसे पकड़ा? हमें एक लीड मिली थी और जिसके जरिए हमने वारदात पर बरामद हुए एक फ़ोन से 2 मर्डर लोकेशंस को ट्रेस किया। बस आगे की कार्रवाई चल रही है और आगे कुछ भी होगा तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। बस ये समझ लीजिए कि द केस इज सॉल्व। क्या हो सर, नितिन सर की तारीफ हजम नहीं हो रही? अरे पटवर्धन। हाँ सर। साहब के लिए हाजमे की गोली लेके आओ। सर इमरी फ्लेवर लाओ या फिर आमला फ्लेवर चलेगा? अरे तुम जाओ यार, जाओ। या सर बाबा तो देते आके। सर केजम की बैंड बजा देंगे। सर कुछ ठीक से बैठ नहीं रहा है कमलेश। क्या ठीक से नहीं बैठ रहा? मैं ये बेबी किलर का कन्फेशन वीडियो फिर से देख रहा था। ये सिर्फ फोन लोकेशन से कुछ साबित नहीं होता है। मुझे पता था जब आप कॉन्फ्रेंस से बाहर निकले, मुझे पता था कि राजीव सर संतुष्ट नहीं है। तो बताइए आपका ये हनुमान आपके लिए क्या कर सकता है? हनुमान जी अभी संजीवनी तुला नहीं सकते। मैं बस ये ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस केस की असली जड़ क्या है। आई स्ट्रांगली फील कि ये बेबी किलर अभी भी आज़ाद घूम रहा है। तुमने देखा ना बच्चों की लाश किस हालत में मिली थी हमें? It could be hell dangerous. पर सर हमने जिसको अरेस्ट किया है उसने सब कुछ कन्फेस किया तो है। उसने सब ड्रग के नशे में किया है। अरे पर नार्को टेस्ट का तो भरोसा कर सकते हैं ना सर? कमलेश नार्को टेस्ट पे भी 100% भरोसा नहीं किया जा सकता। और ये नार्को टेस्ट नहीं है, ये किलर ड्रग ही है। ड्रग के नशे में उसने 300 खून का कन्फेशन किया है। 300 खून? यहाँ एक महीने में इतनी FIR दर्ज नहीं हुई। वही तो, ऐसा आंकड़ा तो सिर्फ के मनगढ़ंत कहानी में होता है। से याद आया आपके घर की शोभा कैसी है? उश, उश। ओ, मैं फिर से भूल गया। कमलेश मैं मिलता हूँ। सुलू अब मुंह लटका के क्यों बैठी हूँ? 3 बार सॉरी बोल दिया ना मैंने। हमेशा का है तुम्हारा, ये दूसरी बार हो रहा है। एक तो तुम जानबूझ के लेट आते हो और फिर मुझे ही सुनाते। जानबूझ के? धीरे बोलो, लोग देख रहे हैं, ये वर्क प्लेस नहीं है तुम्हारा। देखने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन लोगों को तो पता चले कि जिनमें बनती नहीं है वो कहाँ बच्चा बनाएंगे। तो तुम पहले से ही नहीं चाहते बच्चा? अगर चाहते तो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग क्विट करते। तुम्हारा फर्टिलिटी रेट कितना कम है पता है ना? ठीक है मेरी माँ, छोड़ दूंगा बस। अरे यार ये। हाँ कमलेश। सर कहाँ हो आप? भैया नितिन सर आपके नाम का तांडव कर रहे हैं। अरे यार आ रहा हूँ मैं। तुम कहाँ जा रही हो? अब यहाँ बैठे रहने से क्या फायदा? डॉक्टर तो आने से रहे तुम्हारे लिए यहाँ पर, और तुम भी चले जाओगे अपनी पुलिस स्टेशन वाली पहली बीवी के पास। अरे घर छोड़ देता हूँ मैं। जरूरत नहीं। बाहर आग है, घर पे ज्वालामुखी आरती करे भी तो क्या करे। मुहतरमा मुहतरमा करके बुला रहा हूँ तो सर पर चढ़ कर बैठेगी क्या तू? चुप कर नल्ला, गरीब के पेट में लात मारेगा तू? गरीब के पेट में लात मारेगा? तो खुले में क्यों धंधा करती है, अंदर करना। अच्छा तो कहाँ करेगी रे, तेरे ससुराल जाके? ये तू ससुराल पे मत जा, तमीज से बात कर। तमीज से बात कर? तू बड़ा कमीज पहन के तमीज से बात कर रहा है ना मेरे से? कमीज से बात कर रहा है मुझे? क्या मच्छी मार्केट बना के रखा है यहाँ पे? सर इसको कब से समझा रहा हूँ कि पब्लिक प्लेस पे धंधा मत करे, समझती नहीं है? हमारा जो जॉब है ना वो बहुत बहुत प्रोफेशनल है, तुम्हारे जैसे नहीं है। जब देखो मुंह उठा के थाने चले आते हो। चुप चुप, बिल्कुल चुप, वरना हमेशा के लिए अंदर डाल दूंगा। ठीक है रस्तों की जी, क्या चल रहे हैं यहाँ पे, टाइम पास कर रहे हो? इसलिए लगा सीढ़ी में तुमको? अरे सर ये जब देखो तब मुझे ताने मारती रहती है, अंदर डाल दूंगा। रस्तों की जी, कभी कभी औरतों के ताने खा लेने चाहिए, सेहत अच्छी रहती है। टाइम पास बंद करो, इनकी साइन लो और जाने दो इनको। जी सर। चले सिग्नेचर कर, ज्यादा हंस मत। क्या हुआ? आपकी कुंडली में नितिन सर नाम का शनि बैठा है। कितना भारी है? ये तो अंदर जाके पता चलेगा। आ
आपने याद किया? हाँ, वो मुझे सीएम साहब के बंदोबस्त में अर्जेंटली जाना है, तुम ये केस संभालो। कौन सा केस? आइए सर, ये ऑटो साहब, ऑटो। एक और बच्ची की लाश। मैंने कहा था ना, इट्स नॉट द एंड, अभी भी केस की जड़ तक पहुंचना बाकी है। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है इसमें उस बेबी किलर का हाथ है। कमलेश। हाँ। यहाँ ना थोड़ी दूर पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट है जहाँ से गटर का पानी नदी में मिल जाता है। सवाल यह है कि लाश पानी में बहकर यहाँ तक कैसे पहुँची? हनुमान जी, लगता है संजीवनी बूटी ढूंढनी ही पड़ेगी। प्रीलिमिनरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सर, आपका शक सही निकला। मुंडे की मौत डूबने से नहीं, उसको गला घोटकर मारा गया और उसके बाद उसकी लाश गटर में फेंका गया। ऐसे घिनौने तरीके से कौन मार सकता है सर, वो भी एक छोटी मासूम बच्ची। जी, मुंडे की तस्वीर को हर जगह पर सर्कुलेट करिए ताकि उसके माँ बाप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। जी सर। ये बच्ची की मौत तकरीबन 12 घंटे पहले हुई थी। सर देखिए ना, बच्ची ने स्ट्रगल किया था, उसके नाखून में खून के ट्रेसेस हैं। ये ट्रेसेस किसी और के हैं। मतलब आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये वही सीरियल बेबी किलर है? आई मीन ये इंडिविजुअल मर्डर भी तो हो सकता है। क्या हुआ सर? कुछ हाथ लगे पर शोर होने चाहते। सुप्रभात जनाब, चाय पीजिए। अरे रस्तोगी जी, मैं कितने बार बोला चाय नहीं पीता हूं मैं, क्यों लेके आते हो बार बार? अरे सर आदत डाल दो, सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है चाय। और आप ही कहा करते थे ना कि तुम्हारी अम्मा सही कहा करती थी। किसकी आवाज आ रही है? सर वो बच्ची की माँ आई है। जी मैं समझ सकता हूँ। आपकी कौन औलाद है? नहीं। फिर आप
आप नहीं समझ सकते, आप नहीं समझ सकते औलाद के खोने का कहाँ दुख होता है। हमेशा खुश रहती थी हमारी मुन्नी, क्लास में हमेशा फर्स्ट नंबर पर रहती थी। कि हम पूरी कोशिश करेंगे उस खूनी को जल्द से जल्द पकड़ने की। रुस्तोगी, उनको बच्चे के पास ले आओ। आज तुमने मेरे पर्सनल नंबर पे फोन किया, मतलब जरूर कुछ गलत काम करवाओगे मुझसे। इसमें तुम्हें भी तो मजा आता है। ओके, स्ट्रिक्टली ऑफ द रिकॉर्ड रखना है। ओके ठीक है, बताओ क्या करना है। इसका क्या करूँगा मैं? इसको गाड़ी भी लगा कर रख सकते हैं, हवा से ही उड़ने लगेगा। सब ले लो ना। नाम क्या दे रहा? खुशबू। एक काम कर, ये रख। बिना खरीदे पैसे नहीं लूंगी। अरे मेरे पास तो 100 रुपए का नोट है, छुट्टे नहीं है खरीदने के लिए, रख ले। ये लो, सारे ले लो। आप भी क्या याद करोगे? अरे सुनना, अंदर आओ। ध्यान रखना, किसी भी अनजान आदमी से खाने का या पीने का मत लेना, ठीक है? सिर्फ खाने का या पीने का ही नहीं, बल्कि मुफ्त के पैसे भी नहीं लूंगी, इसलिए आपसे भी नहीं लिया। है क्या ये सारी एंट्री खाली यार, ऊपर से नीचे तक, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। ए, बहस क्या चल रही है यहाँ पे? अरे सर, ये जावेद ने फाइनल रिपोर्ट में सारी एंट्री खाली है, कुछ भी डाला नहीं इसमें। बात करो उनसे। अरे क्या बात करनी है? एक्चुअली मैंने ही इसे ऑफ द रिकॉर्ड रखने के लिए बोला था। ऑफ द रिकॉर्ड? हाँ। क्यों सर? वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। कमलेश, तीर निशाने पर लगा? बेशक, तुम सही थे। So this is the plan that we have chalked out for the bandobast, and thank you for your time. Back on, sir. Rajiv, come. Sir, he's Rajiv Rathod, one of our best officers. Okay. Sir, I need to talk to you, sir. Huh? Tell me, kya hua? It's completely okay. Kya hua, batao? Sir, I'm really sorry to say this, but hum logo se bahut bada blunder hua hai. जिस बेबी किलर को हमने पकड़ा है वो एक्चुअली में बेबी किलर नहीं है। असली बेबी किलर अभी तक बाहर घूम रहा है खुलेआम। What nonsense is this? अजीब क्या बात कर रहे हो तुम? सर, पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक इसके पहले जो भी मर्डर केसेस हुए उनका एक पैटर्न है, एक तरीका है। जैसे गला घोट कर मारना, मार कर लाश को पानी में ठिकाने लगा देना, विक्टिम्स के हाथ पैर बांधना, नाखून में स्ट्रगल के निशान पाना, एंड अनफॉर्चुनेटली
कल ही हमें एक और छोटी बच्ची की लाश मिली है जो इसी स्टेट में मिली है। सर ये डॉक्टर जावेद की फॉरेंसिक डीएनए रिपोर्ट है। सर इससे साबित होता है कि किलर अभी भी बाहर घूम रहा है खुलेआम। सर आई थिंक सर देयर इज अ मिस्टेक। राजीव तुम्हें पता है ना बिना परमिशन के क्लोज केस ओपन करना रूल्स के खिलाफ है। राजीव बेबी किलर पकड़ा जा चुका है एंड आई डोंट वांट टू हियर एनीथिंग। नितिन साहब ने तो सुनते अनसुना कर दिया सर, वो भी सब सीनियर्स के सामने। सॉलिड डांट पड़ने वाली है अभी। सर टेंशन हो गया मुझे। टेंशन इस बात की नहीं है कमलेश, टेंशन इस बात की है कि वो किलर अभी भी बाहर घूम रहा है। और मुझे तो ये डर है कि वो फिर से किसी मासूम बच्ची को अपना निशाना न बना ले। पर आपको नितिन सर को ये बताने की क्या जरूरत थी? तो क्या करता मैं, हाँ क्या करता? किलर कब अपने अगले विक्टिम को हमारे सामने रखता, उसका इंतजार करता? तो मैं कब से पूछ रहा हूँ आपसे, मुझे बताओ। लेकिन नहीं, आपको तो वो केबीसी खेलना था। अब कमिश्नर के सामने आपने नितिन सर को झूठा बोला तो उनको तो भड़कना था ही। देख नितिन चाहे मेरा साथ दे या ना दे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे मुझे कानून के दायरे से बाहर ही क्यों ना जाना पड़े मैं निकलूंगा, लेकिन उस किलर की तू बता तू मेरा साथ देगा या नहीं? हेलो, व्हाट, क्या हुआ? निजामपुर। चल हमने तो सुना था कि कातिल पकड़ा गया है। हमसे गलती हो गई थी और असली कातिल अभी भी खुलेआम बाहर घूम रहा है। नाचना गाना बहुत पसंद था पूजा को, हमेशा मोबाइल पे डांस का वीडियो देखती रहती थी, नाचने का कोनो मौका नहीं छोड़ती थी वो। आपने आखिरी बार पूजा को कब देखा था? रोज की तरह आज भी हम दोपहर को फैक्ट्री से खाना खाने घर आए थे। साथ में ही पूजा का स्कूल भी पढ़ता है, इसीलिए हम उसको साथ लेकर ही रोज घर खाना खाने आते हैं। आज भी हम उसे घर लेकर आए। और भारत माँ मैं अभी आई। कहीं नहीं जाना, पहले बैठ अच्छे से खाना खा ले फिर कहीं जाना। अरे भगवान क्यों इसे डांटती रहती हो, ये दुनिया की सबसे प्यारी बेटी है। आप ही ने इसे बिगाड़ के रखा है, एक मिनट इसके पैर घर में नहीं टिकते। खाना खत्म करने के बाद ही हमने उसे बारात में नाचने जाने दिया। हमको नहीं पता था कि ये हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। सूत्रों के
अनुसार हमें ये पता चला है कि बेबी किलर अभी भी लापता है। अब सवाल ये उठता है कि सीडीयू ने आखिरकार लोगों को झूठा दिलासा क्यों दिलाया? तो अब बेबी किलर का अगला निशाना कौन होगा? कैसे हो? तुमको क्या हो गया आज? मम्मी जी तुम्हारे मामा के घर गई हुई है। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। वैसे मैंने कई दिनों से सिगरेट और शराब को हाथ नहीं लगाया। फिर तो छोटू को आने में जरा भी देर नहीं होगी। क्यों? छोटू क्यों? छोटी क्यों नहीं? नहीं, क्योंकि छोटी को उठाने वाले इस दुनिया में बहुत सारे दरिंदे भरे हुए हैं और मैं नहीं चाहती कि वो लड़की होने का बोझ उठाए। वो कहाँ थी? मैं तो यही थी। तुम ठीक हो ना? हाँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तुम ये पैसे रखो। अच्छा ये दो, पूरा दो मुझे। अच्छा एक बात बताऊँ? हाँ बोलो। बहुत बार लोगों ने तो गुब्बारे लेकर भी मुझे पैसे नहीं दिए, पर आपको पहले इंसान हो जो बिना कुछ लिए ही मुझे पैसे दे रहे थे उस दिन। तो सोचा कि बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत अच्छा काम करते हो आप। आप मेरी दोस्त पूजा को मारने वाले को पकड़ लाओगे ना? खुशबू, तुम पूजा को जानती थी? तुमने उस दिन उसे देखा था जिस दिन वो गायब हुई थी? हाँ साहब, मैंने देखा था। पूजा और मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता था। बस्ती में से गुजरने वाली एक भी बारात को हम नहीं छोड़ते थे। उस दिन पूजा मुझे बुलाने आई जब मैं अपना खाना खा रही थी। अरे खुशबू जल्दी चलना, बारात चली जाएगी। हाँ आई। चल। अरे यार मैं कुछ भूल गई। एक काम करो, यहाँ पे रुक, मैं जल्दी से लेके आती हूँ। खुशबू हाँ, दो मिनट यार। उस दिन किसी और को देखा था आसपास? वो अंकल थे। अंकल? कौन सा अंकल? ये अंकल दिखते कैसे थे? उनको मैंने पीछे से देखा था। उन्होंने एक ब्लू कलर का जॉगिंग वाला कपड़ा पहना था। वो ऊपर से नीचे शर्ट पेंट वाला जंपसूट। कमलेश आप क्या हुआ? सर कब से फोन कर रहा हूँ आपको, लेकिन आपको फोन उठाने की फुर्सत ही कहाँ है? राजीव सर तुम्हारी वजह से हो रहा है। किसी स्ट्रिंगर रिपोर्टर ने तुम्हें फॉलो किया और ये इन्फॉर्मेशन निकाल दी कि बेबी किलर अभी तक आजाद है। तो डिपार्टमेंट में और भी पुलिस वाले हैं। अच्छा, लेकिन डिपार्टमेंट में एक पुलिस वाला अभी भी ऐसा है जिसे इस बात का यकीन है कि बेबी किलर अभी तक जिंदा है और वो तुम। पर सर जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं हमारे हाथ में मुजरिम के बजाय सिर्फ और सिर्फ बच्चों की लाशें लग रही है। मुझे और वक्त चाहिए। मैं इस बेबी किलर को किसी भी कीमत में ढूंढ निकालूंगा। और वो कैसे करोगे तुम राजीव? मेरे हाथ एक पॉजिटिव लीड लगी है। अगर तुम सही साबित नहीं हुए राजीव तो देन आई विल रिजाइन।
वायरलेस पे मैसेज आया है, एक और बच्ची की लाश मिली है। राजीव, मैंने ऑलरेडी तुम्हें बहुत चांसेस दिए हैं, इसलिए आज के बाद तुम इस केस को लीड नहीं करोगे, कमलेश करेगा एंड यू विल असिस्ट कमलेश। आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस। कमलेश, ऑल द बेस्ट। आशा की माँ बहुत पहले मर चुकी थी, इसलिए घर पे सिर्फ हम दो लोग ही रहते थे। कई बार मैं उसे छोड़ के काम पे चला जाता था, लेकिन आज पता नहीं कैसे जब घर आके देखा तो वो घर पे नहीं थी। हमें लगा वो अपने सहेली के यहाँ गई होगी। ये ब्लू जंपसूट किसका है? मेरा है साहब। मैं जिस फैक्ट्री में काम करता हूं वहीं का है। कमलेश, मैंने तुझे वो सिग्नल वाली लड़की खुशबू के बारे में बताया था ना? हाँ, क्या? खुशबू ने पूजा को उसके गायब होने के जस्ट पहले देखा था एक ब्लू जंपसूट वाले के साथ। सर, खुशबू सिर्फ 8 साल की बच्ची है, और एक छोटी सी बच्ची के स्टेटमेंट को कितना सीरियसली लेना चाहिए ये मैं नहीं जानता। लेकिन एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है? आप भले ही मेरे सीनियर हैं, लेकिन अब इस केस का इंचार्ज ना मैं हूँ, और मैं नहीं चाहता कि अब और लड़कियाँ मरे। तो क्या मैं ये चाहता हूँ? सर प्लीज। तीन बज गया, सब ठीक है? मुझे लगा आप भी सोए नहीं होंगे। सर, एक जूनियर अपने सीनियर से टिप्स लेने आया है। अब ऑफिस में नितिन ने हम दोनों को भले ही आमने सामने खड़ा कर दिया, लेकिन यहाँ मैं एक दोस्त की हैसियत से आया हूँ। नितिन सर से डायरेक्ट नितिन ना, सही है। सबसे पहले हमारे पास जो भी लीड्स है उससे बेबी किलर के पैटर्न को समझने की कोशिश कर। सबसे पहला पैटर्न तो यही है कि जो किलर है ये दिन में मर्डर करता है। ये अपना शिकार ढूंढने भी दिन में ही निकलता होगा, और भी ब्लू जंपसूट पहने। सर, दिस इज पॉइंट ऑफ डिबेट। ओके ओके, आई एग्री, बट अगर हम इस पॉइंट को कंसिडर करते हैं तो ये माना जा सकता है कि वो आसपास की किसी फैक्ट्री में काम करता होगा, क्योंकि जितने विक्टिम्स हमको मिले हैं वो आसपास की जगह में रहते थे, और सारी लड़कियां दोपहर के टाइम पर गायब हुई। तो अगर हम ये मान के चलते हैं तो वो आसपास की किसी जगह पे काम करता होगा, और दोपहर में लंच टाइम पे वो बाहर निकलता होगा और फिर वापस जाता होगा, नहीं भी जाता हो सकता है। क्योंकि ये देख, जहाँ पे किडनैपिंग हुई है और जहाँ पे हमें लाश मिली है, इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा फासला है। तकरीबन नहीं तो भी 1 घंटे का फासला है।
तो अगर वो वापस जाता भी होगा तो आई एम श्योर वो लेट होता होगा। इसका मतलब ये है कि हमें उन लोगों को ढूंढना चाहिए जो दिन में काम छोड़कर गए लेकिन वापस काफ़ी देर तक नहीं लौटे। अगर ब्लू जंपसूट को कंसिडर करते हैं तो ये मान सकते हैं कि वो किसी आसपास की जगह पे ही फैक्ट्री में काम करता है। ठीक है, ठीक है, आपकी संतुष्टि के लिए पता करते हैं कि ये जितने भी लड़के हैं, मतलब जहाँ जहाँ से भी ये गायब हुए हैं, उनके आसपास में कौन सी फैक्ट्रीज हैं। मैंने पता कर लिया, कुल मिलाकर 90 फैक्ट्रीज हैं और सारी फैक्ट्रीज का यूनिफॉर्म ब्लू जंपसूट है। ठीक से देखो, सब पीछे मुड़ो, पीछे। अब ठीक से देखो बेटा, तो टाइमिंग के हिसाब से जिन मजदूरों का डीएनए सैंपल लिया था उनमें से किसी एक का सैंपल मैच हो गया है, तो कंफर्म है कि किलर अभी यहाँ पे मौजूद है। कौन है? हमें आशा अच्छी लगी थी इसलिए मार दे। नितिन सर बुला रहे हैं आपको। गुड जॉब राजीव, थैंक यू। एक्चुअली ये काम मैं कमलेश के बिना कर ही नहीं सकता था। आई थिंक इसका एक्चुअल क्रेडिट कमलेश को ही मिलना चाहिए। वेरी वेल, इन दैट केस गुड जॉब बोथ ऑफ यू। थैंक यू। आखिरकार बेबी किलर पकड़ा गया। सुनो, मैं क्या कह रहा था कि आज कहीं बाहर चले, काफी टाइम हो गया। अरे वाह, आज जनाब का मूड अच्छा कैसे है? आप अच्छा पुलिस वाला बन लिया है, अब सोचा कि एक अच्छा हस्बैंड भी बन जाओ, तो चले। ठीक है, मैं रेडी हो जाती हूँ। सुनो, अब छोटू हो गए, छोटी उसकी लड़ाई हम डिनर पे जारी रखेंगे। ठीक है, चलो सी यू। हाँ जावेद बोल ना। हाँ अभी तो घर पे हूँ, क्या हुआ? व्हाट?
ओके। इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम। क्या मतलब गलती हुई टेस्ट में यार? कभी कभी रिजल्ट्स प्रीमैच्योर होते हैं और उन्हें डेवलप होने में टाइम लगता है। अब क्या हो गया? हाँ देखो, सिराज ने ही आशा का मर्डर किया, लेकिन बाकी लड़कियों का मर्डर सिराज ने नहीं किया। उसकी रिपोर्ट आशा से मैच हुई है, बाकियों से नहीं। मतलब ये एक इंडिपेंडेंट मर्डर है और असली बेबी किलर बाहर घूम रहा है। क्या करेंगे सर, नितिन सर तो खाल उधर देंगे हमारे। हेलो, देखो राजीव, मैं कुछ नहीं जानता। तुम्हारे पास सिर्फ 48 घंटे हैं बेबी किलर को पकड़ने के लिए। मुझे, मैं तुझे कब से समझा रही हूँ। चुप रह ना बेटी घर पे, क्यों नहीं समझता है? क्यों करती है ऐसा सब? ए रस्तोगी, अरे छोड़ ना इसे। सभी से कहो ना साहब, जाने दे, बच्ची घर पे अकेली है। रस्तोगी जाने दे सब, क्या फालतू के टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? चलिए आप जाइए। साहब मैं बोल रही थी मैं आगे से लफड़ा नहीं करेगी। आप इस नल्ले को कांस्टेबल रस्तोगी को समझाइए ना, मेरी बेटी ना वहाँ पे घर पे अकेली रहती है जब मैं यहाँ होती हूँ। साहब वो हम बहुत गरीब लोग हैं साहब, सिग्नल में गुब्बारे बेचती है वो। अफसाना है? नहीं, अब वो बाहर है, आप कल आना। खुशबू तेरी बेटी है? जी साहब। क्यों? नहीं, बहुत प्यारी और होशियार लड़की है वो, उसे पढ़ने भेजना, बहुत आगे जाएगी। और हाँ, अगली बार अगर गॉड मदर बनते देखा ना तो रस्तोगी क्या, मैं खुद अंदर अंदर डालूंगा तुझे, ठीक है? जी साहब। साहब क्या है ना, मुझे भी झगड़ा अच्छा नहीं लगता, पर क्या है ना, यहाँ पे हर एक दो दिन में एक नल्ला मुँह उठाकर चला आता है, उससे कुछ होता नहीं है, उल्टा मुझे ही वो गुस्सा दिखाता है। मैं ना आगे से इन फैक्ट्री के मजदूरों को भाव ही नहीं दूंगी। ये देखो, नल्ले का नाम लिया और उसका फोन भी हाजिर है, पूरा दिन टाइम खोटी करेगा। एक मिनट, एक मिनट, ये फैक्ट्री वर्कर तेरे नल्ला, इसका नाम क्या है? दरवाजा खोलो, मुझे अफसाना से बात करनी है। मैंने बोला ना वो नहीं है, आप कल आना। मेरे को पता है अफसाना अंदर ही है। बेटा दरवाजा खोलो। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। बेटा दरवाजा खोलो वरना अंकल मारेंगे। कमलेश, ये आशा का मर्डर एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है और सिराज बेबी किलर का कॉपीकैट किलर होगा, जो उसी के साथ उसी की फैक्ट्री में काम करते हैं। तो फिर हमें दिखा क्यों नहीं उस दिन? दिखा था कमलेश, बस हम पकड़ते पकड़ते रह गए। तूने सतीश का फोन रिकॉर्ड चेक किया? हाँ, एग्जिट वहीं की दिखा रही है जहाँ से सारी लड़कियाँ गायब हुई थी। पहले हमें ये रेप एंड मर्डर केस लग रहा था, बट एक्चुअली में दिस इज फेल्ड रेप एंड मर्डर केस अकॉर्डिंग टू जावेस रिपोर्ट। क्योंकि पिछले 10 दिनों में जब जब सतीश अफसाना से मिला है, मैंने वो डेट्स मैच करी है, बिल्कुल उन्हीं दिनों लड़कियां गायब हुई और उनका मर्डर हुआ। तो उस हिसाब से इसका अगला टारगेट कौन हो सकता है? खोल दरवाजा। सर सतीश का लेटेस्ट लोकेशन मिला है, बिल्कुल अफसाना के घर के आसपास का बता रहा है सर। बेटा अंकल आ गए, दरवाजा नहीं खुला।
सर लगता है सतीश खुशबू को उठा के ले गए। अब एक और वारदात तो कैसे रोकेंगे? जल्दी गाड़ी में बैठो, सतीश की लाइव लोकेशन चेक कर रहे हैं। चल चल चल। सर बहादुरगढ़ वाटरवर्क्स तक लोकेशन थी, उसके बाद उसका फोन बंद हो गया, लेकिन ऑन करेगा तो पता चल जाएगा। मैप निकल। ये बहादुरगढ़ के आसपास कोई गटर है खेतों तो बता। सर मिल गया, उसके बिल्कुल बगल में एक गेहूं का खेत है। बेटा फटाफट उगलना शुरू कर दे, नहीं तो नार्को टेस्ट करवा के सब उगलवा लूंगा। दाल मिलेगी क्या? दाल? अबे कमीना, तेरे बाप का रेस्टोरेंट है यहाँ पे। ठीक है। रस्तोगी? जी सर। दाल लाना इसके लिए? जी सर। चल अब बोल जल्दी। अब ठीक है, दाल खा के थोड़ी ताकत आ जावे। बोल। कंघी और मिल जाती है। कंघी लाना। कंघी यहाँ पे हर एक दो दिन में एक नल्ला मुंह उठाकर चला आता है, उससे कुछ होता नहीं है, उल्टा मुझे ही वो गुस्सा दिखाता है। ए नल्ले, बाल बना के क्या होगा, सेहत बना सेहत। नल्ला मत बोलियो। इधर दिखाता हूँ तुझे अपनी सेहत और तरीफ सुधारता हूँ। सेहत सुधारेगा बेटा? तोते की तरह बोलने शुरू कर दे, नहीं तो ना पीछे से डंडा डालूंगा और थालाक से निकालूंगा साले। नल्ला बोली, डल्ली है ना ये अफसाना, नल्ला ही बोलती थी, ईगो हर्ट करती थी मेरा। हटा नल्ला कहीं का। नल्ला नहीं बोलने का तो और क्या कहे? और क्या बोले? नल्ला नहीं कहने का। मेरे को उसको बताना था कि मैं भी मर दूं, चीज दे के लड़कियों को उठा लेता था, फिर मुझे उन लड़कियों में अफसाना का चेहरा दिखता था, उसे देख के मैं दिखाता था मर दूं मैं भी। हमेशा ऐसा ही लगता था, मुझे देख के हंस रही है, हंसती थी, ईगो हर्ट करती थी मेरा। फिर मुझे उसकी बेटी दिखाई दी, मुझे लगा इससे बढ़िया मौका ना हो सके, मैंने उसकी बेटी को उठा लिया
तुम आ गए। सुलू हाँ माँ क्या हुआ बेटा कैसा है? अब मैं ठीक हूँ लेकिन ये लेकिन क्या सुलोचना को ढूंढ रहा है? वो तो अपने मायके गई है। क्या सोच रहा है बेटा? सब ठीक हो जाएगा, तू परेशान मत हुआ कर। जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है, तेरे बाबा कहते थे। अच्छा, बाबा का नाम हरिवंश राय बच्चन था क्या? माँ मैं बात करता हूँ आपसे। अरे सुलू तुम मतलब मैं मायके जाने ही निकली थी और मैंने सोचा था कि तुम जब तक मेरे साथ अच्छे से टाइम स्पेंड नहीं करते मैं बिल्कुल वापस नहीं आऊंगी, लेकिन मुझे रास्ते में कोई मिल गया और उनको तुमसे मिलना था तो वापस आ गई। कौन? आइए। खुशबू साना ये एक अच्छा इंसान बनने के लिए। अच्छा हस्बैंड बनने की भी कोशिश करूंगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.